नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम वित्तीय बाजार के पहले टॉपिक को कर चुके थे, जहां पर हमने प्राथमिक बाजार तक पढ़ा था। उस प्राथमिक बाजार तक और पहले चैप्टर व्यावसायिक वित्त, उन दोनों की वीडियो के लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप इन दोनों को पढ़कर और इस भाग को देखकर अपने 15 नंबर को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर दो है, भाग ये दो है वित्तीय बाजार के टॉपिक की, दूसरी वीडियो है ये। दोनों मिलकर 15 मार्क्स के हैं ये दोनों चैप्टर। ये मैंने आपको आखिरी वीडियो में भी बताया था, तो आप इनको पूरे निश्चित करने के लिए प्राथमिक बाजार तक की वीडियो देखने और व्यावसायिक वित्त की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जा सकते हैं। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे। अभी हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दूसरा बाजार द्वितीयक बाजार कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। जैसे वो प्राइमरी थी तो ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी जो मार्केट होती है, द्वितीयक बाजार जो होता है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पहले से बिकी हुई प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। वहां आपका सिर्फ एक ही काम हो रहा था, खरीदने का या बेचने का। देखो, अगर कंपनी के हिसाब से सोचे तो बेचा जा रहा था वहां पर, और अगर इन्वेस्टर के हिसाब से सोचे तो खरीदा जा रहा था। यहाँ वो होता है कि जो पहले से कंपनी ने जारी किए हुए अपनी प्रतिभूतियां हैं, वो जो उसका अंशधारक है, जो इस समय अंशधारक है। अभी मैं सिर्फ शेयर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अंशधारक कह रहा हूँ। हम ऋण पत्र धारक भी कह सकते हैं। जो जो वर्तमान अंशधारक होता है, वो उसको क्या करता है, अगर वो इच्छुक है कि बेच कर चला जाए, तो दूसरा कोई जो भविष्य में उसको इंटरेस्टेड, जिसको हम कहेंगे, जो इच्छुक कोई भी, अगर इच्छुक कोई निवेश करता होता है, अगर वो वहां पर अवेलेबल है कि मैं भाई इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, तो वर्तमान अंशधारक इच्छुक निवेशकर्ता को उन शेयरों को बेच सकता है। इसलिए खरीदने वाला कौन है, इच्छुक निवेशकर्ता, और बेचने वाला कौन है, अंशधारक। यहाँ पर आपको मिलेगा कि जिस कंपनी के वो शेयर हैं, वो कंपनी यहाँ पर नहीं है। कंपनी को एक बार पैसा मिल गया है, और पैसा जो है उस कंपनी को नहीं मिलेगा। यहाँ जो वर्तमान अंशधारक है, वो इच्छुक निवेशकर्ता को खरीद बेचता है। ठीक है, तो इनकी जो इच्छुक निवेशकर्ता की जो बचत होती है, वो मार्केट में आ जाती है, और जो वर्तमान अंशधारक है उसको वो पैसा मिल जा सकता है, और वो उस पैसे का कहीं और पर यूज कर सकता है। तो ये वो जगह होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन होता है। इसमें भी बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड और व्यक्तिगत रूप से कोई भी निवेशकर्ता हो सकता है। मतलब जिन लोगों ने वहां पर खरीद रखा है पहली बार में, वो सारे यहाँ पर इसमें निवेशक बन सकते हैं। कोई इतना जो भी चाहे, मतलब कि वो खरीद सकते हैं। सिंपल सात ये है। यहाँ जो विद्यमान निवेशक हैं, वर्तमान अंशधारक जो हैं, या मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें, वो वी निवेश का मतलब बेच कर जाना, तो वो वी निवेश कर सकता है, तथा जो नए इच्छुक निवेश करता है वो प्रवेश कर सकते हैं, मतलब कि वो खरीद सकते हैं। तो ये वो मार्केट होती है जहां पर इस तरीके से काम किया जाता है। ये ज्यादा एक्टिव रहती है, इसके थ्रू जो बचत है वो मार्केट में आ जाती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये सारे काम होते हैं, मैंने आपको बताया, जिसको हम शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो शेयर बाजार क्या होता है, ये समझना जरूरी है। ये द्वितीय मार्केट में आ रहा है, द्वितीय व्यापार में, बाजार में आ रहा है। अभी जो हम सारा पढ़ेंगे वो द्वितीय बाजार का पढ़ेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा संस्थान है, मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट संस्थान है। एक प्राइवेट संस्था होती है जो स्टॉक एक्सचेंज के रूप में रजिस्टर्ड होती है। कंट्रोल इस पर सेबी का होता है, आगे पढ़ेंगे सेबी क्या होता है। तो एक ऐसी संस्थान होती है जो विद्यमान, जो अब पहले से जारी की गई प्रतिभूतियां हैं, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में शेयर भी आएगा, ठीक है, डिबेंचर भी आएंगे, तो वो सब चीजें आती हैं, बॉन्ड वगैरह, ये इस सब इसके पार्ट हैं। तो वो प्रतिभूतियां कहलाती हैं। उनका खरीदना और बेचना, उस खरीदने और बेचने को एक मंच ये प्रदान करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो एक बाजार के रूप में अगर शेयर बाजार की बात की जाए, ये बाजार लिखा है, तो शेयर बाजार एक प्रतिभूति अंश को, अगर मानू मैं, एक शेयर को, ऋण पत्र भी हो सकता है वो, आदि को लिक्विडिटी प्रदान करता है, द्रव्यता प्रदान करता है, जिससे विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना, एक खरीदने वाला है एक बेचने वाला है। तो जैसे हम
सामान खरीदते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या खरीद रहे हैं, शेयर या ऋण पत्र, तो उनका विनिमय हो सकता है और या विपरीत विनिमय, और उसका उल्टा भी इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा बाजार होता है, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर बाजार, कंपनियों को वित्त उगाहने, ठीक है, पैसा इकट्ठा करने, द्रव्यता उपलब्ध कराने। देखो आपने पढ़ा है कि यहाँ पर जो निवेशक होते हैं वो कंपनियां भी हो सकती हैं, ठीक है, तो पैसा इकट्ठा करना। अब पैसा इनको नहीं मिलता ऑब्वियसली है, सिर्फ ई आईपीओ को छोड़कर, बाकी में वो जो वर्तमान अंशधारक होते हैं वो दूसरे को बेचते हैं, तो वर्तमान अंशधारक उस कंपनी का मालिक भी हो सकता है, तो अगर वो अपने शेयर बेचकर पैसा लेना चाहता है तो वो वहां से काम कर सकता है। लिक्विडिटी मतलब कि आपको वहां पर वो जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक अभी वो एक प्रतिभूति है, आप चाहो तो उसको नगद में परिवर्तित कर सकते हो, वो एक स्थान बनाया गया है। तो निवेशक जो पैसा लगाना चाहते हैं, निवेश को सुरक्षा भी ये प्रदान करता है, भाई आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, उसको भी ये स्टॉक एक्सचेंज देखता है, और जो व्यक्ति व्यक्ति कंपनी है उसकी जो ऋण की ये साख है या क्रेडिट लेने की जो योग्यता है उसको भी बढ़ाता है। एक कंपनी का शेयर जितना ऊपर जाएगा उसके ऋण लेने की, उसकी क्रेडिट लेने की जो साख है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो किसी कंपनी के लिए भी उसका शेयर जितना मार्केट में अप जा रहा है, दैट्स मीन्स उसकी गुडविल बढ़ रही है, तो वो जहां मर्जी से चाहे वहां से पैसा एकत्र कर सकता है। तो शेयर बाजार इस काम को करने में भी मदद करता है। आगे चलते हैं, तो शेयर बाजार में क्या क्या काम होते हैं वो देखते हैं कि शेयर बाजार के क्या फंक्शंस हैं। तो पहला है कि जितनी भी पहले से जारी की गई प्रतिभूतियां हैं उनको लिक्विड मतलब कि नगद में परिवर्तित करने में मदद करता है। विनियोग का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट होता है, बेचना जिसको हम कहते हैं, वो प्रदान करता है उसको। फिर है कि प्रतिभूतियां जो भी होती हैं उनके मूल्य या भाव को निर्धारित भी करता है। किसके ऊपर मैंने करा था, मैंने आपको बताया था कि किस बेस पर किया जाएगा निर्धारित, मांग और पूर्ति पर। जिस शेयर की मांग जितनी ज्यादा है और पूर्ति नहीं है, मतलब कि बेचने वाला कोई नहीं है। देखो मांग का मतलब है वो निवेशक जो उसको खरीदना चाहता है, ठीक है, तो अगर निवेशक खरीदने वाला अवेलेबल है पर बेचने वाला भी निवेशक ही है, जो वर्तमान अंशधारक है जिसको हम कहेंगे वर्तमान जो निवेशक है, तो अगर बेचने वाले ज्यादा नहीं है मार्केट में और खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है, इच्छुक कह लो इसको, तो अगर इच्छुक निवेशक ज्यादा है मतलब कि मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, तो जो उसका मूल्य होगा वो इंक्रीज होगा, शेयर का मूल्य बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा, अगर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं, तो फिर क्या होगा, मूल्य डाउन भी चला जाएगा। तो मूल्य भी निर्धारित किया, लेन देन को सुरक्षा प्रदान करता है, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो उसका काम भी शेयर बाजार देखता है। आर्थिक प्रगति मतलब कि जो बचत है उसको मार्केट में लाता है, हर एक इंसान के पास जो भी पैसा है उस बचत को बाजार में लाने का काम ये करता है शेयर बाजार, जिससे आर्थिक प्रगति होती है। क्योंकि बचत अगर बाजार में आएगी तो उसको जो व्यावसायिक कंपनियां हैं वो यूज करेंगी, उससे कुछ ना कुछ उत्पादन करेंगी, ठीक है, तो व्यावसायिक कंपनियां जो हैं उस पैसे को ढंग से यूज कर पाती हैं और उसके थ्रू उत्पादन होता है, और उस उत्पादन से लोगों को रोजगार मिलता है, वस्तुओं को बेचने से पैसा आता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, देश की प्रगति होती है। लास्ट है इक्विटी संप्रदाय का प्रसार। देखो तो जितना ज्यादा शेयर बिकेंगे, ज्यादा लोगों में बटेंगे, मतलब कि मैं अभी एक अकेला इंसान हूं जो 5,000 शेयर लेकर बैठा हूं, मेरे पास किसी कंपनी के 5,000 अंश हैं, मेरे पास है अकेले, मैंने डिसाइड किया कि इसमें से मैं 500 बेच देता हूं, ठीक है, तो 500 को खरीदने वाला कोई एक इंसान हो गया। फिर मैंने कुछ दिन बाद फिर निर्णय लिया कि मैं 500 और बेच देता हूं, तो अब हो गए दो मालिक। फिर मैंने निर्णय लिया कि 500 और बेच देता हूं, तो तीन हो गए अब मालिक। फिर 500, तो फिर मैंने क्या किया, 400, ऐसे मैं 10 बार अगर 500 बेचूं, तो
तो जहां पहले मैं अकेला मालिक था, अब उसके कितने मालिक हो जाएंगे? 10। तो अंशधारक बढ़े, तो ज्यादा लोगों में शेयर होल्डिंग पावर गई, तो कोई भी उस शेयर होल्डिंग पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम शेयर बाजार एक ऐसी संजंगा है जहां पर आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, तो मिनिमम एक शेयर की भी यहाँ पर डीलिंग होती है, एक अंश से लेकर और जितने आप खरीद सकते हो उतने खरीद सकते हो। ये इक्विटी संप्रदाय को भी बढ़ाता है, मालिकाना लोगों को भी बढ़ाता है। सट्टेबाजी स्पेकुलेशन होते हैं, वो आप जानते ही हैं, शेयर बाजार में स्पेकुलेशन बहुत चलता है। आपको दिख रहा है कि एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर जो ब्रोकर वगैरह होते हैं वो कहते हैं भाई इस कंपनी के शेयर खरीद लो, सबको एडवाइस देते हैं। तो जब सबके पास, इन्वेस्टर के पास एडवाइस जाएगी, निवेशकर्ता के पास एडवाइस जाएगी, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। अब उन्होंने स्पेकुलेशन करी कि भाई ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप इसके शेयर खरीद लो, तो मार्केट में मांग बढ़ गई। ठीक है, और पूर्ति उतनी थी नहीं, मतलब लोग बेचने वाले ज्यादा नहीं थे, तो क्या हो गया, रेट बढ़ा दिए स्पेकुलेशन के थ्रू। और ऐसी ही स्पेकुलेशन नेगेटिव भी हो सकती है, भाई ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, इसके शेयर बेचना है तो बेच दो, तो बेचने में पूर्ति बढ़ जाएगी, बेचने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे, डिमांड उतनी नहीं होगी, तो शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन भी जा सकती है। तो यहाँ पर भविष्यवाणी की जाती है, सट्टेबाजी की जाती है, तो वो ऑप्शन भी कहाँ से प्रोवाइड होता है, शेयर बाजार के थ्रू ही होता है। तो ये सब काम थे शेयर बाजार के। आगे चलते हैं, अब आया कि शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करे, क्योंकि धोखाधड़ी हुई थी बीच में, आप जानते हो कि केतन मेहता और वगैरह बहुत सारे केसेस आए थे जहां पर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू गलत अकाउंट को प्रदर्शित करके लोगों ने अपने शेयर को बेच बेच कर ज्यादा मुनाफा कमाया और फिर कंपनी को दिवालिया घोषित कर कर भाग गए या कैसे भी चले गए। तो ऐसे केसेस ना हो उसके लिए सेबी का गठन किया गया, जिसको हम कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन किया गया। इसका गठन 1988 में किया गया था और उसको वैधानिक निकाय के रूप में जो मान्यता मिली वो 1992 से मिली। तो सेबी की जो स्थापना की गई थी वो निवेशकों को के जो हित हैं, लेकिन उनका पैसा डूबा नहीं, जो क्योंकि हम जैसे एक साधारण आदमी का भी पैसा इसमें लगा होता है, तो उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, उसके हित को बचाने के लिए, उसके पैसे को बचाने के लिए क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। तो उसको सुरक्षा मिल पाए, जो भी वो प्रतिभूति खरीद रहा है उसके, मतलब सेबी जो करती है प्रतिभूतियों का जो बाजार होता है उसके विकास, उसके विनिमय के लिए भी उसको गठन किया गया था। मतलब कैसे बढ़ाएं, कैसे लोगों में ये विश्वास दिलाएं कि आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं तो वो आपका डूबेगा नहीं, वो बिल्कुल सुरक्षित है, आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बचत को इन्वेस्ट कीजिए। तो सेबी को इसलिए गठित किया गया था। तो अब सेबी क्या क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये समझना होगा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 4 से 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। इससे पहले वाले भी बहुत सारे पार्ट थे, शेयर बाजार के फंक्शंस क्या हैं, पूंजी मार्केट में कौन आता है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये और इससे पहले वाला जो व्यावसायिक वित्त का चैप्टर है ये दोनों मिलकर 15 मार्क्स। तो व्यावसायिक वित्त का लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, मेरी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर व्यावसायिक वित्त का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सेबी क्या क्या काम करती है, अभी हम इसको पढ़ रहे थे, तो शुरुआत करते हैं। तो सेबी के जो मुख्य काम है वो तीन है, तीन में अगर हम सबसे पहला देखें तो सुरक्षा प्रदान करना, हमने पढ़ा था कि इसका जो गठन हुआ था वो हुआ ही निवेशकों को सुरक्षा देना था। तो सुरक्षा देने में ये क्या क्या काम करती है, तो सबसे पहले तो धोखाधड़ी को रोकती है कि बाजार में धोखाधड़ी ना हो, कोई भी अनुचित काम ना हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो कि खुद ही खरीद लो खुद ही बेच लो, ऐसा काम ना हो, गलत तरीके से मार्केट को रिफ्लेक्ट करना, वो काम यहाँ पर ना हो, उसको देखना इसका काम होता है। वही भीतरी व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं कि जब लगा कि हमारी कंपनी डूब रही है अपने शेयर बेच कर भाग जाओ, जब लगे कि अच्छा परफॉर्म कर रही है तो खुद ही शेयर खरीद लो, तो वो भीतरी व्यापार पर रोक लगाती है ये सेबी। जो निवेशक होते हैं जिनका पैसा लगा हुआ है उनको शिक्षित करती है, उनको समझाती है कि आप इन जो विशेष बातें हैं
निवेश करने से पहले इन पर ध्यान दीजिए, तो निवेश को शिक्षित करती है, बेहतरी व्यापार पर रोक लगाती है, धोखाधड़ी और अनुचित कार्य पर प्रतिबंध लगाती है। ये सारे किसके काम है? सुरक्षात्मक कार्य। तो अगर क्वेश्चन में इनमें से नीचे कुछ भी लिखा आपको मिले तो आप समझ जाना कि वो सेबी का कार्य है, और कौन सा कार्य है? सुरक्षात्मक। नेक्स्ट कार्य पे चलते हैं, क्योंकि तीन है तो दूसरा आता है अब नियमन कर्ता कार्य, इसको हम रेगुलेटरी कहते हैं इंग्लिश में। रेगुलेटरी का मतलब उस पर कंट्रोल करना, तो रेगुलेशन का काम भी यहीं से होता है। तो जो दलाल होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, और जो उसके सब ब्रोकर हैं, उप दलाल हैं, और बाजार के जो अन्य खिलाड़ी हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट वाली एजेंसियां हैं, जो भी हैं, उन सब का पंजीकरण करती है उनके, क्योंकि नियम कब लागू होंगे? जब वो मेरे यहाँ रजिस्टर्ड होंगे, तो उनका सबसे पहले पंजीकरण इसमें किया जाता है। जो सामूहिक निवेश है, एक साथ जो पैसा लगता है, या म्यूचुअल फंड है, उनका पंजीकरण भी सेबी करती है, ये उसके रेगुलेटरी काम है। फिर जो धोखेबाजी और अनुचित व्यापार है, उनकी रोकथाम करने का काम भी करती है, रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करवाना, तो वो इनका काम होता है। तो आंतरिक व्यापार और नियंत्रण, इनको यहाँ रोकना, ठीक है, और वहां पर भी था धोखेबाजी और अनुचित व्यापार, वहां ये था कि उनसे सुरक्षा प्रदान करती है, यहाँ उनको रोकती है। आंतरिक व्यापार वही इनसाइडर ट्रेडिंग है, और नियंत्रणकारी बोली, मतलब कंट्रोल कर ले, अपने आप बाजार को अपने हिसाब से कंट्रोल करे, उसको रोकने का काम, उसको नियंत्रित करने का काम, और अगर कोई ऐसे व्यवहार करता है तो उस पर दंड लगाने का काम। तो जब ये दंड आ जाए तो ये रेगुलेटरी बन जाएगा, जब तक दंड नहीं आएगा, जब तक वो जो इससे पहले वाला काम था सुरक्षा देने वाला, वो काम बना रहता है, ठीक है। फिर है शेयर बाजारों और मध्यस्थों के जो लेखा अकाउंट हैं, क्योंकि शेयर बाजार मैंने आपको बताया एक प्राइवेट संस्था होती है, तो इस प्राइवेट संस्था के जो लेखे हैं, मतलब कि अकाउंट्स हैं, उनको ऑडिट करने का काम भी ये करते हैं। शेयर बाजार जो काम करते हैं वो कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, तो इसलिए इनके लेखा की परीक्षा भी करती हैं। जो मीडिएटर होते हैं, ये दलाल वगैरह, सब दलाल वगैरह, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह, उन सब के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करने का काम भी सेबी करती है, नियमनकर्ता कार्य के रूप में। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड जो हमारा काम है वो विकास। विकास का मतलब आगे बढ़ाना, भाई लोगों को ट्रांसपेरेंसी दे दी, सुरक्षित हमने कर दिया, उनके ऊपर रूल रेगुलेशन लागू कर दिए, तो अब पैसे को बढ़ावा दिया जाए, कैसे लोग ज़्यादा पैसे लगाएं, तो उसके लिए पहले निवेशकों को शिक्षा दी जाएगी, उनको एजुकेट किया जाएगा, बताया जाएगा कि आप पैसे लगाने से पहले इन इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। दूसरा, जो मीडिएटर है उनको भी प्रशिक्षित किया जाए कि आप इस तरीके से लोगों के पैसे को लगवाएं, इनसाइड ट्रेडिंग को रोकें, जो भी काम है उनके मध्यस्थ को, जो भी मीडिएटर हैं, ब्रोकर, सब ब्रोकर, प्लेसमेंट एजेंसी, उनको ढंग से प्रशिक्षित करना, ये भी इनका काम होता है। फिर है उचित आचरणों, मतलब कि सही काम, और जो एक क्या कहते हैं SRO के लिए सभी संहिता को बढ़ावा देना, तो ये है कि रेगुलेटरी ऑपरेशन, मतलब कि जो सिस्टेमेटिक रेगुलेटरी ऑपरेशन है उसको ढंग से काम करवाया जाए, सही कामों को बढ़ावा दिया जाए, तो ये काम भी हम विकास के अंदर करते हैं। उनको बार बार उनके जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो उत्तरदायित्व हैं, उनको बताना उनको कि भाई आप सही काम करना, ऑडिट करना समय पर, तो उनके उचित आचरणों को बढ़ावा देने का काम भी क्या करती है? सेबी करती है। फिर वो रिसर्च करती है, तो अनुसंधान आयोजित भी करती है, उसके बाद बाजार में जो भी लोग शामिल हैं, अब चाहे वो निवेशक हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो, ब्रोकर हो, जितने भी उस बाजार के भागीदारी हैं, उन तक वो जो भी एक उन्होंने अनुसंधान किया है उसकी सूचनाओं को प्रकाशित करने का काम भी विकासपूर्ण कार्य के अंतर्गत ही सेबी के आता है। तो कुछ काम थे जो सेबी करती है विकासपूर्ण कार्य के लिए। लगभग हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, ये दोनों पूंजी बाजार के पार्ट हैं, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या तुलनात्मक भिन्नताएं हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक बाजार को हम नए निर्गमों का बाजार भी कहते हैं,
और द्वितीयक बाजार को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। तो इसमें नई जो कंपनियां होती हैं या नई प्रतिभूतियां जो होती हैं उनका विक्रय किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों चीजें बता दी, निवर्तमान कंपनी जो है निवेशक को नई प्रतिभूतियां बेच सकती है या पुरानी जो कोई भी नई कंपनी आ रही है वो अपना पहली बार प्रतिभूति को बेच सकती है। इसमें जो पहले से बेची गई प्रतिभूतियां हैं उन्हीं का व्यापार होता है, दोनों में डिफरेंस हो गया। इसमें नई प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं, इसमें पुरानी में डीलिंग होती है। इसमें प्रतिभूतियों को कंपनी सीधे नियोजक को बेचती है, मतलब कि मध्यस्थों के द्वारा भी बेच सकती है, कैसे भी बेचे, सीधा निवेशक को बेचती है, इन्वेस्टर को बेचती है। यहाँ जो होती है निवर्तमान प्रतिभूतियां जो है निवेशकों के बीच में विनिमय चलता है, यहाँ कंपनी कहीं नहीं होती, यहाँ कंपनी और निवेशक होता है, यहाँ निवेशक और निवेशक होता है, कंपनी का कोई रोल नहीं। इसमें जो कोष आता है या बचतकर्ताओं से जो निवेशकों को जाता है पैसा, जिनके पास जा रहा है कंपनी के पास, वो प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण करता है। उस कंपनी के पास वो पैसा जा रहा है, उस पैसे से वो अपना जो भी बढ़ाना चाहती है, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, अपने व्यवसाय का विकास करना चाहती है या अपने व्यवसाय में एक नया एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो सीधा पूंजी निर्माण में काम आता है पैसा। यहाँ जो पैसा होता है, जो यहाँ पर रोकड़ आता है, वो सिर्फ तरलता प्रदान कर रहा है, मतलब कि एक बेचना चाहता है उसको वो मार्केट दी जा रही है और एक खरीदना चाहता है तो वहां पर उसको वो भी मार्केट प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ जो पैसा लगा हुआ है किसी कंपनी में उसको तरलता प्रदान की जा सकती है, यहाँ पैसा कंपनी के पास कभी नहीं जाता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पूंजी निर्माण को जो है परोक्ष रूप से बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं केवल क्रय होता है, बेचा उनको नहीं, यहाँ सिर्फ खरीदने का काम होता है। यहाँ पर आप पाओगे कि खरीदना और बेचना दोनों है। यहाँ जो होता है मूल्य का जो निर्धारण होता है उसका जो डिसीजन है वो कंपनी लेती है। पहली बार बेच रही है तो कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने पर बेचना चाहती है, ठीक है। यहाँ निर्धारित कौन कर रहा है, मांग और पूर्ति। मांग कौन करेंगे, जो इच्छुक निवेश करता है। पूर्ति कौन है, जो बेचने वाले निवेश करता है। कोई स्थायी या भौगोलिक स्थान निश्चित नहीं है जहां से बेचा जाए, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जहां से चाहे कंपनी उसको निर्गमित कर सकती है, सिर्फ EIPO को छोड़कर, क्योंकि EIPO शेयर बाजार के थ्रू ही बेचा जाता है। तो ये प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में एक तुलना थी, ये NCERT के सौजन्य से ही है, सारा वहीं से लिया गया मैटर है, तो आप समझ लीजिए। क्योंकि हम एक टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो NCERT बुक होती है, तो सब हम NCERT से लिया हो गया मैटर आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। तो अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है उसको और पढ़ लेते हैं, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है कि मुद्रा और पूंजी बाजार में तुलना। तो हमने जो चैप्टर जब हमने शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि जो ये हमारा चैप्टर है ये जो है वित्तीय बाजार से संबंधित है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, वित्तीय बाजार को पढ़ रहे हैं, ये पूरा चैप्टर हमारा उससे ही संबंधित था। तो वित्तीय बाजार में हमने दो प्रकार के बाजार पढ़े थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो उनमें क्या तुलना है, उसमें क्या अंतर है, वो समझना जरूरी है। तो हम वो इस वीडियो या इस टॉपिक के माध्यम से जो अब हमारे सामने आएगा उसको हम समझेंगे। आधार मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, शुरुआत करते हैं। पहला आधार है कि कौन कौन भाग लेता है, तो यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय संस्थान और वित्तीय कंपनियां लेती हैं, निवेशक नॉर्मली नहीं होते। यहाँ पर वित्तीय संस्थान, बैंक, निर्गमित इकाइयां, विदेशी निकायें और फुटकर नियोजक या नॉर्मल जनता भी इसमें होती है पूंजी बाजार में। प्रलेख की बात करें तो ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाण पत्र, ये सब इसके अंदर होते हैं। कुछ और भी हैं पर जो मुख्यतः थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर समता अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋण पत्र, और एक चीज और होती है वो है बॉन्ड। बॉन्ड भी यहाँ पर होता है। न्यूनतम राशि, तो ये अभी जरूर रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। जो मुद्रा बाजार होता है उस मुद्रा बाजार में कम से कम जो निवेश होता है वो 25,000 का होता है, और पूंजी बाजार के अंतर्गत जो निवेश होता है वो 10 रुपए से शुरू होकर, मतलब ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूंजी बाजार का लिखा हुआ है।
इस पॉइंट में आप ये समझ लीजिए, सिर्फ सिंगल पॉइंट यही एक ऐसा है जो अभी थोड़ा सा गलत हो रहा है। मुद्रा बाजार जो है ये वाला पॉइंट है, मुद्रा बाजार में पैसे की आवश्यकता ज्यादा होती है, पूंजी बाजार में 10 रुपए से भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां हमें 25,000 रुपए कम से कम चाहिए। नेक्स्ट आता है अवधि, तो मुद्रा बाजार में अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है मैक्सिमम, यहाँ पर दीर्घ अवधि और जो मध्य अवधि प्रपत्र है वो जारी किए जाते हैं। यहाँ पैसा लंबे समय के लिए लगते हैं, यूज किया जाता है यहाँ पर छोटे समय। तरलता, क्योंकि ये छोटा है तो अधिक तरल ये है, तरल यहाँ पर लिक्विड जरूर है क्योंकि आपके पास शेयर बाजार है जहाँ से आप चीजों को बेच सकते हो, तो लिक्विडिटी तो है पक्की बात है, पर ये अधिक लिक्विड है, ठीक है। तो तरलता यहाँ ज्यादा है इसके मुकाबले। जोखिम, अब तरलता यहाँ है तो जोखिम की मात्रा भी यहाँ पर कम है, छोटे समय के लिए भी है तो रिस्क यहाँ पर कम है, यहाँ रिस्क ज्यादा है क्योंकि लंबे समय के लिए निवेश है। तरल जरूर है पर पता नहीं आपको मार्केट में खरीदने वाला कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो रिस्क यहाँ पर ज्यादा है, पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार में कम है। इसी के साथ जो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है वो बचता है कि क्या हमें